अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? जी, जो सामान आपको नज़र आ रहा है उससे तो साफ पता चल रहा है कि सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों के लिए ही रखा गया है। और सर्दी में हर कोई ड्राई फ्रूट पसंद करता है, लेकिन हम इस ड्राई फ्रूट को ऐसे ही नहीं खाएंगे, ठीक है? इसका कुछ बनाएंगे जो कि सबके लिए मुफीद हो, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, उसके लिए मैं एक मुफीद चीज़ बनाने लगी हूँ। इसको रोज़ खाएं तो इसका आपको फ़ायदा होगा, लेकिन आपने प्यालियाँ भर भर के नहीं खाना। 50 ग्राम तकरीबन आप खाएं और दूध के साथ खाएं तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, जब मैंने बनाने के लिए सामान निकाला तो एक चीज़ कम थी, वो मैंने मंगवाई है गोंद यानी, और किशमिश अभी धुलने वाली है। बस ये मैं धो लूँ और गोंद आ जाए तो फिर हम अपना क्या कहते हैं पंजीरी बनानी है आज मैंने, उसको रेडी करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करते हैं और ना ही आपको बोर करते हैं, ठीक है? लेकिन आज जो भी बातें मैं आपको बता रही हूँ इसमें फालतू कुछ भी नहीं है। ये इम्यून सिस्टम बढ़ाती है और स्किन भी अच्छी करती है, लेकिन वही बात कि इसको आपने एक क्वांटिटी आपने एक मखसूस रखनी है, उसके हिसाब से ही खाना है। इसमें देसी घी का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि क्वांटिटी जो है वो कम यूज़ करूँ। एक टेबल स्पून मैं ऑयल ले रही हूँ, ऑयल एकदम गर्म हो गया, चूल्हा जो था पहले से ऑन था इसलिए। इसमें सारे मैंने ये लोटस डाल दिए। लोटस थोड़े से नाजुक होते हैं, चम्मच ढूंढने में थोड़ी सी लेट हो गई, मैं तो नीचे से लोटस लग गए। ये मैंने चम्मच से निकाल के, ज़्यादा नहीं लगे थे, मैंने ब्लैक पार्ट उतार लिया और वापस डाल दिया। और एक और गलती मैंने ये की कि मैंने देगची जो थी वो नई थी, तो मैंने कहा चले यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपने पंजीरी बनानी है तो आपने मिट्टी का बर्तन या फिर नॉन स्टिक पैन यूज़ कर लें, जो थोड़ा सा मोटा पेंदे वाला पैन हो वो यूज़ करें, ताकि देखिए। अच्छा जी, वो जल्दी फिर से ना तेज़ गर्म हो जाए। मैं फटाफट घी डालूँ, पानी खुश्क हो गया। हाँ जी, अब ठीक है, एक टेबलस्पून घी डाला। अब मैं इसमें किशमिश फ्राई करूँगी। क्वांटिटी मुझे ठीक तरह याद नहीं है, सारे पाव और आधा किलो हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। ये किशमिश पाव है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। मैं थोड़ा मिक्सअप हो गया तो इसलिए मैं क्वांटिटी जो है ना लिख दूँगी। सब चीज़ें मैं एक ही बर्तन में रखूँगी, सिर्फ किशमिश को अलग रखूँगी, मैं इसको पीसूँगी नहीं बीच में, मुझे बड़ी बड़ी ही अच्छी लगती है। अच्छा, थोड़ा सा ही ऑयल डालूँगी, हाफ टी स्पून। पहले भी थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ अंदर है, लगा हुआ देखची में, थोड़ा सा डालूँगी। ये गोंद है, इसको फ्राई करेंगे। ये जब वाइट हो जाएगी तब तक इसको फ्राई करना है। थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा है, अब और ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, नीचे लगे ना ये। छोटे छोटे जो थे वो फ्राई हो गए हैं तकरीबन, इनमें से जो बड़े बड़े रह गए मैं छोटों को पहले निकाल लेती हूँ, वो जल ना जाए। और इसकी फ्राई होने की निशानी ये है, थोड़ा सा ये टफ टाइम दे रहा है बड़ा छोटा पीस होने की वजह से। इसकी फ्राई होने की निशानी ये, अभी गरम गरम ना हो, ये जब इस तरह फ्राई हो जाएगा वाइट सा, और इसको अब जब आप हाथ से करेंगे तो ये फिचक जाएगा, गर्म है इसलिए मुझसे हो नहीं रहा। बीच में थोड़े से कच्चे भी हैं इसलिए मैंने निकाला नहीं। जो छोटे छोटे पक गए थे, फूल गए थे, उनको मैंने निकाल दिए चम्मच से, और ये बड़े बड़े रह गए, इनको थोड़ा और टाइम दूंगी। मैं जो साथ साथ मुझे लग रहे पक गए हैं उनको निकाल रही हूँ कि जले ना।
बस ये हो गया। अब हम इसको निकालते हैं और अब डालते हैं कुछ अपने मेवे शेवे, मेवा जात मतलब नट्स, महाव्रतन बोला। चले जी अब क्या डालें हम, आज तो मज़ा आने वाला है। डाल देती हूँ पहले सबसे इसके ऊपर घी, एक चम्मच घी डाला भर के, डेढ़ चम्मच डाल। मैंने सोचा था मैं थोड़ा ज़्यादा कम घी इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मुझे घी से डर लगता है, लेकिन वो फिर चीज़ सही तरह फ्राई नहीं हो रही तो थोड़ा मुझे डालना ही पड़ा। इसमें ही मैं ये चारों मगज़ जो हैं थोड़े से फ्राई कर लूँगी। हाँ टक करके उसमें ये थोड़े से मेरे पास और भी पड़े हुए। चारों मगज़ ऐड करके मैं इसको फटाफट फ्राई करूँगी क्योंकि देगची की वजह से मुझे डर है कि नीचे से कहीं लग ना जाए, और मुझे फील भी हो रहा है कि थोड़ा सा घी कम है तो मैं इसमें घी भी ऐड कर रही हूँ। घी ऐड करने के बाद अच्छे से मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ, और बस ये एहतियात करनी कि किसी भी चीज़ को जलाना नहीं है। पहले तो जो गलती हो गई मुझसे उसके बाद मैंने सीख लिया है कि आगे से ज़रा एहतियात से सब चीज़ पकानी है। कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियाँ हर किसी से हो जाती हैं। अब 2 टेबलस्पून घी मैंने फिर से ऐड किया है और इसमें मैं बादाम फ्राई कर लूँगी अच्छे से। बादाम इस तरह फ्राई करना है कि उसमें क्रंची क्रंची सी आवाज़ आए और ज़्यादा वो बस जले मत। कोई भी चीज़ आपको मैं बार देखी, मैंने चेंज कर ली है क्योंकि वो जल्दी जल्दी गर्म हो रही थी और उसकी शक्ल बेशकल सी हो रही थी तो मुझे डर था चीज़ें मेरी जलना जाए। मैंने पैन यूज़ करना शुरू कर दिया। नॉन स्टिक में ऑयल भी, ऑयल हो या घी हो कम यूज़ होता है। देखा मैंने 1.5 टेबलस्पून डाला था लेकिन वो साइड्स पर ही है, नज़र आ रहा है। बस ये मैं निकालने लगी हूँ, कलर चेंज कर लिया इन्होंने। ये 1/2 किलो सूजी है, सारी ही मैं ऐड कर दूँगी।
सूजी हमारी ब्राउन हो चुकी है, बस थोड़ा सा और करके इसको मैं निकाल लूँगी। इसको मैं बादाम वाली ट्रे में नहीं ऐड करूँगी क्योंकि ये छोटी सी होती है, इसमें क्या पिसना है। खशखाश और सूजी को एक जगह कर लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसमें एक कप शुगर ऐड करूँगी। सॉरी, शुगर नहीं ऐड करनी, शक्कर ऐड करनी है, ब्राउन शुगर, वो भी केमिकल वाली नहीं, असली शक्कर, ठीक है। इसका कलर चेंज हो चुका है, बस ये यहाँ से थोड़ी सी रह गई थी। चले जी, अब इसमें एक कप शक्कर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, पर इतनी मत डाल लीजिएगा कि बस मीठी ही हो जाए। ये देख लीजिएगा कि रोज़ खानी है। अब लास्ट में बस मैं खशखाश को फ्राई करूँगी और ये सब चीज़ें पीस लूँगी। खशखाश को भी मैं अच्छे से भून लूँगी। इसमें भी मैंने और घी महसूस किया कि कम है तो डाल लिया था। आप हर चीज़ में 2 टेबलस्पून घी डाल लें। मैंने थोड़ा सा एहतियात करने की कोशिश की, इसलिए मैंने देख देख के डाला है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि किशमिश को छोड़ के बाकी सब सामान को मैं इकट्ठे ही मिक्स करके पीस लूँगी। सूजी भी बीच में मैंने ऐड की थी ताकि वो भी पाउडर बन जाए अगर हो सके तो। जिसको कुटा हुआ पसंद है वो कुटा हुआ थोड़ा रख ले, और जिसको बिल्कुल पिसा हुआ पसंद है तो वो पीस ले। आपकी ये अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। इस बड़े मिक्सचर में सही तरह पिस नहीं रहा था, थोड़ा कुटा कुटा सा था, तो मैंने छोटी मिक्सी का यूज़ किया, उसमें अच्छी तरह सब पिस गया। जायकेदार पंजीरी हमारी तैयार है। अब इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे। आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अब बस मुझे इजाज़त दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।